नमस्कार दोस्तों, वही शॉप जैसे में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ में है सुजान सिंह जी भाटी, आप ग्राम सरखा से हैं और आप पर्यावरण प्रेमी हैं और बचाओ अभियान में बहुत जोर शोर से हिस्सा ले रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपसे बातचीत जो होगी बहुत सकारात्मक होगी और इसके परिणाम बहुत अच्छे आएंगे। तो ओरन बचाओ अभियान, ओरन के बारे में अगर हम बात करें तो जिसने पूरा ओरन से भरा हुआ है, तो हम बात करते हैं सुजान सिंह जी से। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कर्मेहे। नमस्कार सुजान सिंह जी। नमस्कार, सबसे पहले आपको नमस्कार जो आपने अमूल्य समय हमारे को दिया, आप पधारे यहाँ पे, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बिल्कुल सुजान सिंह जी, मुझे जब से जानकारी मिली है कि आप हमारे पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो आप हमारे वॉइस ऑफ जैसलमेर पर आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप हमें अपना एक पहले छोटा सा परिचय दीजिए, आप मूल कहाँ के रहने वाले हैं, आप अगर ग्राम से हैं तो कौन से ग्राम से हैं, आपकी शिक्षा क्या है, पहले तो हमें इसके बारे में बताइए। मेरा परिचय आपको छोटा सा दे देता हूँ। मेरा नाम सुजान सिंह माटी है, ग्राम सलखा है जैसलमेर से, और मैं इस ओरण छत्रपति वीर श्री आला जी ओरण में संरक्षक के पद पर कार्य देखता हूँ। ओरण का काफ़ी टाइम से मैं इस फाइल को भी देख रहा हूँ, इस काम को ओरण गोचर और ओरण संवर्धन, इसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल सुजान सिंह जी, भी आपने आप बात की कि आप ओरण पर कार्य कर रहे हैं, आला जी के आप भक्त हैं, आप उन परिवार से हैं। हम अगर आपके शिक्षा के बारे में अगर जानना चाहें तो आपकी शिक्षा कहाँ तक है, आपने इस क्षेत्र में जो हमारी गोष्ठियाँ होती हैं, जो संगोष्ठियाँ होती है, चिंतन होता है, उसमें क्या क्या भाग लिया, तो पहले आप अपनी शिक्षा के बारे में बताएं, फिर इस ओरण के ऊपर आपने क्या क्या चर्चाएँ की। जी जी, मेरी शिक्षा मास्टर ऑफ सोशल वर्क MSW हूँ और PG पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा पर रूरल डेवलपमेंट से भी मैं हैं, इसलिए मैं रूरल डेवलपमेंट से PG की तब मुझे गांवों की तरफ, ओरण की तरफ थोड़ा मेरा झुकाव रहा, क्योंकि रूरल डेवलपमेंट संबंधित आते थे और रूरल डेवलपमेंट का विकास और उनका रूरल डेवलपमेंट के गांवों का कैसे, ग्रामीणों का रहन सहन किन से निर्भर करते हैं, इसलिए मुझे थोड़ा इस पर लगाव रहा। मैं जैसलमेर जिला स्तर के सेमिनारों में और राज्य स्तर के सेमिनारों में यूनिवर्सिटी तक मैं इस प्राउंड एंडोमेंट के कार्यक्रम में मैं गया और आज मैंने सेमिनार में भाग भी लिया और मैंने काफ़ी एनोमेंट के बारे में रिसर्च भी, अभी मैं रिसर्च भी कर रहा हूँ इसके बारे में, प्रोफेसरों से जो एनोमेंट सेक्शन देखते हैं उनसे मेरा लगातार संपर्क भी जारी है और मैं काफ़ी टाइम से, मैंने सबसे पहले तो यहाँ एनोमेंट जब ओरण का 2010 से हम लगातार ओरण का देख रहे हैं संरक्षण के बारे में, तो पहले तो जिला स्तर पर सेमिनार आयोजित हुई थी हमारे जिला ओरण टीम की, सबसे पहले उसमें मैंने भाग लिया था। उसके बाद में एक अमेरिका USA की कोई संस्था आई थी, वो एनोमेंट पे बड़ा रिसर्च कर रही थी, वो एनोमेंट संस्था से मुझे मेरा मिलना हुआ और उसमें भी मैंने ओरण सेमिनार एनोमेंट के बारे में मैंने काफ़ी हद तक उनको भी बताया, मुझे उनसे सीखने का भी मिला। और हालांकि सीखने का जैसे हमारा पूर्वजों द्वारा भी हमारा कृषि और ओरण पर ही निर्भर थे, तो सीखने का हालांकि बाहर से तो हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि हम जन्मजात ही सीखे हुए, क्योंकि हमारा पशुपालन भी निर्भर था, कृषि और पशुपालन, ये तो कृषि होती थी पशुपालनों के लिए, ओरण में जो घास वो भी पेड़ पौधे कटाई नहीं होते थे, वो सिर्फ घास फूस करने के लिए वहाँ पेड़ पौधे से सुरक्षित रखे और घास करने के लिए ही चारागाह स्थापित, और नौकर जो वहाँ के स्थानीय लोग थे उनका आजीविका का साधन मेन था वो कृषि और ओरण ही था, उसके ऊपर ही निर्भर थे, ताकि हमारे भी इसमें दूसरे की कोई वो बात नहीं रही, हम स्टार्टिंग से जन्म से ही मतलब इन चीज़ों में बड़ा हुआ। बिल्कुल आपने जो कहा है वह बात ठीक है। जैसे भी आपने पहले मुझे बताया कि आपने जैसे जिले से बाहर महाराजा गंगा सिंह जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर भी आपने इस संघ की सभा में हिस्सा लिया है, तो वहाँ से क्या, किस तरह से आपका अनुभव रहा उसके बारे में बताइए। वहाँ पर सोशल मीडिया के माध्यम से प्रोफेसर डॉक्टर अनिल कुमार छंगाणी, हालांकि मेरे सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे काफ़ी टाइम से जुड़े हुए भी है और बहुत एक्सपर्ट भी है ओरण के प्रावण विभाग के सेक्शन से एक्सपर्ट भी है, और उन्होंने मुझे बताया कि कई लोग मेरे से प्रावण एनोमेंट में लोग PhD भी कर चुके हैं, हालांकि मेरा भी उनसे इंट्रोड्यूस हुआ, उन्होंने सेमिनार आने के लिए मुझे भी इन्वाइटेड किया कि हम सेमिनार रखेंगे, आपको भी गाने आना पड़ेगा, उनसे मेरा सोशल मीडिया के माध्यम से, दूरभाषा के माध्यम से काफ़ी एनोमेंट में मैंने उनसे चर्चा और विषय रखा और मुझे काफ़ी सपोर्ट भी करते हैं और बहुत ही अच्छा उनका रुझाना, और अब आने वाली सेमिनार कुछ ही दिनों में सेमिनार आयोजित, उन्होंने कहा कि हम बीकाने में एनोमेंट सेक्शन के बारे में, वो प्रोफेसर एनोज के महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी, तो वो बुलाएंगे तो हम उसमें जरूर भाग लेने के लिए जाएंगे।
बहुत अच्छी बात है सुजान सिंह जी, और मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि आप जिस ओरल पे कार्य कर रहे हैं उस ओरल का अगर आप हमें नाम बताएं। उस ओरल का नाम है छत्रपति वीर श्री आला जी ओरल सलखा। अच्छा, अगर हम यह जानना चाहें कि इसका क्षेत्र कितना बड़ा हो सकता है विस्तृत? इसका क्षेत्र 12,952 बीघा और रिकॉर्डेड है। और वहाँ पे मैं आपको थोड़ा बीच में ले चलता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन की ओर, पूरी प्रशासन की टीम RI SDM तहसीलदार साहब पटवारी सब मौके पर गए थे और पूरी मौके पे बढ़िया अच्छी तरह से रिपोर्ट बना के फाइल हमारे जिला प्रशासन में चल रही है। और दुआ करते हैं, आपसे भी उम्मीद करते हैं कि हमारा इसमें सहयोग करें ताकि ओरण राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो। बिल्कुल, ओरण राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो, तो यह पहले रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है क्या? पहले क्या था, राजाओं के समय इनको देवी कानून बोलते थे, मतलब एक बार वहाँ कोई भी ओरण, पहले तो वन क्षेत्र बोलते थे, अभी इसको बोलते हैं ओरण क्षेत्र। वन क्षेत्र में तो लकड़ियाँ भी काटी जाती थी और ओरण क्षेत्र में लकड़ी तक भी नहीं काट सकते थे, ऐसा वहाँ पे प्रसिद्ध क्षेत्र था, निषिद्ध था। उसमें कोई मतलब वहाँ की लोग कसम भी नहीं खाते थे या पूरा ओरण का जो इसकार, क्योंकि जहाँ ओरणे हैं वहाँ सब जगह देवी देवताओं का स्थान है और वहाँ पे हर प्राणी को जीने का अधिकार है, हर वृक्ष को जीने का अधिकार है और उस पर हम भी जो ग्रामीण लोग हैं उनकी भी आजीविका ओरण पे ही निषिद्ध। बिल्कुल सुजान सिंह जी, मैं एक आपसे सवाल करना चाहूँगा, जैसे अभी आपने कहा कि ओरण को हमारे राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाना है और आज ओरण बचाने की जो मुहिम चल रही है, तो हमें ओरण को सबसे ज़्यादा किससे खतरा है? ओरण को सबसे ज़्यादा जो बाहरी परियोजनाएँ जो आ रही है इससे ज़्यादा बहुत खतरा है, क्योंकि वो बाहर परियोजना, ये इसमें क्या होता है कि मैं आपको बता देता हूँ कि EIA होता है, ये वन एवं प्राण मंत्रालय से इसकी अनुमति बहुत ज़रूरी होती है EIA की। अच्छा, जैसे अभी आपने बताया EIA, तो इसका मुझे आप पूरा फुल फॉर्म बता सकते हैं, इसकी क्या परिभाषा है? जी बता सकता हूँ। ई में तो होता है एनवायरमेंट और आई में तो होता है इफेक्ट और ए में तो असेसमेंट, एनवायरमेंट इफेक्ट असेसमेंट। कोई भी प्राण मंत्रालय, वन मंत्रालय किसी भी परियोजना को लाने से पहले EIA करना बहुत अति आवश्यक होता है। लेकिन यहाँ थार मरुस्थल में क्या है, कोई भी सोलर ऊर्जा या पवन ऊर्जा लगातार परियोजना प्रोजेक्ट स्थापित होता है तो ये EIA नहीं करवाते, क्योंकि यहाँ पे पर्यावरण नियमों की लगातार हजिया उड़ रही है। और रही बात जो थार मरुस्थल है, थार मरुस्थल में जैसे जीव जंतु, पेड़ पौधे, स्थानीय वनस्पति, इनको भारी नुकसान की कीमत पहुँचाई जा रही है। रही बात जिस स्थानों की, जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर, इसमें कुछ संयंत्र लगाए गए लेकिन वहाँ पे जाड़, केर, रोईड़ा, टूड़ा, इनको जड़ों से उखाड़ा जा रहा है और ये एक बहुत बड़ा स्थानीय जैव विविधता के लिए खतरा है और आने वाले की जैसलमेर वासियों के लिए बहुत ही भारी कीमत का सामना करना पड़ेगा। जिसे अभी आपने बताया कि EIA, तो जब हमारी जो कंपनियाँ हैं, हमारी जो योजनाएँ हैं वो तो आनी है, उसका काम तो होना ही है, जब वो इसका पर्यावरण से संबंधित जो भी जानकारी होती है उसकी पालना करनी चाहिए, तो उसके लिए राज्य सरकार के अंदर क्या अधीन में आता है इसका? जैसे हम कह सकते हैं ये जो आप EC कहते हैं, तो ये भी एक इसमें काम करती है, इसके बारे में क्या आप मुझे थोड़ा बताइए? इसमें देखो मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से बता देता हूँ। जी, पहले आपने मैंने जो EIA के बारे में बताया, ये एनवायरमेंट इफेक्ट असेसमेंट, वहाँ का लूज पैटर्न, लैंड लीज पैटर्न, वहाँ की इकोनॉमिक स्टेटस और वहाँ की स्थिति क्या है, उसके बारे में पूरी मैनेजमेंट को व्यवस्थित करते हुए EIA करना बहुत आवश्यक होता है, लेकिन ये नहीं कराते, इसलिए गवर्नमेंट राजस्थान सरकार क्या करती है, उसमें EC कर देती है, मतलब एनवायरमेंट क्लियरेंस दे देती है, इसलिए वो प्रोजेक्ट स्थापित हो जाते हैं। और इसके लिए हम आने वाले समय में हर युवा को, हर गांव में, ग्राम स्तर से लेकर जिला स्तर तक ऐसा एक अभियान छेड़ेंगे और इनके बारे में जानकारी देंगे ताकि लोगों की जानकारी पहुँचे, लोग जागरूक हो और एक साथ आए आगे का रास्ता निकल सके। बिल्कुल सुजान सिंह जी, आपने बहुत अच्छी और बढ़िया बात बताई है कि जो EIA और EC, यानी कि जो केंद्र से और राज्य सरकार के माध्यम से जो अनुमति जारी होती है उसकी जानकारी प्रत्येक हमारे नागरिक जो यहाँ के रहवासी उसको होनी चाहिए। लेकिन मैं अगर आपसे ये पूछना चाहूँ कि आप इसमें, जैसे अभी आपने कहा मैं 2010 से इसमें जुड़ा हूँ, तो ओरण बचाओ जो अभियान है आपका, इसमें आपने जो कई यात्राएं की है और उसमें आपका कौन कौन से क्षेत्र में किस तरह की यात्राएं रही, कितना आपने जो समय निकाला है उसके बारे में थोड़ी सी हमें जानकारी साझा करें। 2002 वर्ष पहले से हम ओरण यात्राएं, जहां से भी ओरणे हैं, जैसलमेर में ओरणे असंख्य है, जगह जगह पे देवी देवी देवता का स्थान है और जगह जगह ओरणे,
और हमने एक जिला ओरण टीम ने ये तय किया कि जहाँ स्थान है, जहाँ ओरण है, वहाँ से यात्राएं निकाल के जिला कलेक्टर को, प्रशासन को ज्ञापन देना, उसके माध्यम से मीडिया को बताना और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी ज्ञापन देना, ताकि लिए आम युवा, गांव का युवा जागरूक हो, जैसान का युवा जागरूक हो, ओरण के प्रति उनका स्नेह बढ़े और ओरण के प्रति बारे उनकी ये सीख मिले, ओरण का संरक्षण संवर्धन कैसे हो ये उनको जानकारी हो। और हम 2 साल में लगभग पैदल ओरण यात्राएं 600 किलोमीटर कर चुके हैं आज की तारीख में। सुजान सिंह जी, मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा कि जो आप ओरण यात्राएं कर रहे हैं, और ओरण तो सभी का है और हम जो ग्रामीण वर्ग के यहाँ के लोग हैं उनका मूल व्यवसाय कृषि और पशुपालन है, तो पशुओं का जो भी चारा पानी है इस ओरणों के माध्यम से ही प्राप्त होता है। और हमें भी कई अकाल की विशिका में, जैसे केर है, सांगरी है, बैर है, कई प्रकार की कुमट है, हमें वनस्पतियाँ मिलती है, तो इसमें हमारे ग्रामीण वर्ग की महिलाएं, बच्चे और जो प्रौढ़ है, उनको आप इसमें किस तरह से शामिल करते हैं, उनको किस तरह से मोटिवेट करते हैं, यानी उनको किस तरह से बात बताते हैं कि ये हमारी जो परंपरा है, इसमें जो कंपनियां आ रही है, हमें डेवलपमेंट तो चाहिए लेकिन एक सकारात्मक रूप से, तो उसमें आप इनकी भागीदारी किस तरह से लेते हैं? अब हम, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, अब हम हर ग्राम स्तर पर ऐसा आयोजन करने जाएंगे जिला ओरण विकास टीम की तरफ से, हर गांव के युवा, हर मातृशक्ति, पिता तुल्य, बुजुर्गगण, सभी युवा साथियों को ओरण के प्रति जागरूक तक संदेश फैलाएंगे कि ओरण से अपने को क्या लाभ है, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश, भारत देश कृषि प्रधान है, और ओरण और पशुपालन के लिए लोगों का, स्थानीय जो लोग हैं उनका आजीविका का साधन मात्र ही, विकल्प एक ही है, वो ओरण है। गाय का, पशु पक्षी, हर जीव जंतु प्राणी, अगर ओरण खत्म हो जाए तो ये चीज़ें सब खत्म, ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। हम विकास चाहते हैं, विकास को अटकाते नहीं, लेकिन विकास ये भी नहीं हो कहीं हमारा विनाश हो। बहुत बढ़िया बात है, आपने सुजान सिंह जी आज हमें ओरण के बारे में बहुत अच्छी बात बताई है, जानकारी दी है, और हम ये चाहते हैं कि यह जानकारी हमारे जन जन तक पहुँचे और हमारे ओरणों की रक्षा हो। हमें विकास तो चाहिए लेकिन उसके साथ हमारी जो प्रकृति है, हमारी जो यहाँ की सभ्यता है, वह भी हमारी रहनी चाहिए, हमारा खिलवाड़, बिल्कुल खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं अगर एक बात पूछूं आपसे कि जो आपका ये ओरण है सड़का, यह जैसलमेर के कौन से क्षेत्र में आया हुआ है, जिला मुख्यालय से कितना दूर है, और आपने इसकी जो क्षेत्रफल तो आपने बताया था, तो इसके बारे में थोड़ा आप हमें बताइए, जिला मुख्यालय किस तरफ है, कहाँ है, कितना दूर है? ये ओरण जैसलमेर से 35 किलोमीटर दूर है, ग्राम सलखा कनोई के पास पड़ता है, वहाँ पे आला जी के मैन स्थान भी है, आला जी के मैन स्थान जैसलमेर में भी है, शीशगंज, उसके बाद आलासर गांव सलखा, जहाँ उस आलासर के बाद उनके छोटे भाई सोड़ा जी का भी मंदिर है, इनके गुरु वीरनाथ जी का भी मंदिर है, उस तीनों मंदिरों के मध्य ये पूरी 12,952 बीघा ओरण आई भी है। वहाँ पे बहुत बड़े पानी तालाब के लिए संरक्षण भी है, पशुपालकों के लिए आने जाने के लिए वर्षा से भरे जाते हैं, उनका आजीविका का साधन, पानी का संरक्षण, वाटर कनेक्शन सब वहीं से होता है, और जैसलमेर से 35 किलोमीटर दूर है जिला मुख्यालय से। और ओरण तो मैंने आप छत्रपति वीर श्री आला जी, ओरण सलखा आला जी के नाम से ही है। बिल्कुल, आपने जो मुझे ओरण के बारे में बताया है कि जिला मुख्यालय से जो दूरी बताई, गांव बताए, क्या इन ओरणों के बीच में कोई तालाब, कुएं, बावड़ियां या कोई ऐसा कोई गांव ढाणियां भी हुआ करती है क्या? जहाँ ओरण होती थी ना, ओरण में बीच में कोई जैसे तालाब होते थे वाटर कंजक्शन वास्ते, पशु पक्षियों के लिए, गाय हो, पशुपालन हो, जीव जंतु, तो वो पानी कहाँ पीते थे? ओरण होती, वहाँ तालाब निश्चित होते हैं, उसमें कोई वो नहीं होते। जहाँ सबसे पहले तो देवी देवता का जहाँ स्थान होगा उसके पास ही ओरण होती थी, और उसके पास ही तालाब, वाटर कंजक्शन का भी तालाब होते थे, तो वहाँ पे पानी पीना, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु सब वहीं से आदान प्रदान, और लोकल, वहाँ की जो लोकलिटी, ग्राम स्तर पर जो स्थानीय युवक था उनका भी पानी पीने का साधन पूर्व जन्म वही था, तालाब ही था। जैसा अभी आपने बताया कि पानी का उसमें था, मैं यही पूछना चाहता हूँ कि ओरण के बीच में भी कुछ ढाणी या आवासीय या कोई खेती वगैरह भी होती है या नहीं? नहीं, जहाँ ओरण है पहले इसको वन क्षेत्र, अभी ओरण बोलते हैं, ओरण के बीच में न तो कोई ढाणी है और न कोई आवासीय है, वो मात्र पशु पक्षी जीव जंतुओं के लिए होता था, वहाँ पे कोई लकड़ी भी नहीं काट सकता, वो आज तक परंपरा कायम, क्योंकि संस्कृति से खिलवाड़ बिल्कुल नहीं, और जहाँ ओरण है वो पूरी तरह से सुरक्षित है, कोई अतिक्रमण। बहुत बढ़िया सुजान सिंह जी, आपने एक बहुत बड़ी अच्छी बात कही कि प्रकृति से किसी प्रकार का कोई खिलवाड़ नहीं है। तो आज हमसे आपकी बातचीत हुई, हमारी आपसे बातचीत हुई, बहुत सकारात्मक इसके परिणाम आए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद। अभी आप देख रहे थे वॉइस ऑफ जैसलमेर। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल वॉइस ऑफ जैसलमेर।